नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये पंडित दीनदयाल सभागार है झांसी का। सामने आप जो देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, इस देश के क्रांतिकारियों के साथ किस किस प्रकार का आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर वीर शहीदों को नमन। आप देख रहे होंगे अमृत महोत्सव जिस घटना को चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें उनके हाथ पंडित दीनदयाल सभागार झांसी का रुपये 4,600 रुपये, लेकिन अंग्रेजों ने ये आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल सभागार का नजारा है। अशफाकउल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के एक समूह ने देश की क्रांति की यह ज्वाला बुझने न पाए, बंद न होने पाए, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देश अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी छुपा नहीं। अलग अलग देश के कोनों में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन सामूहिक रूप से 1857 का देश का प्रथम स्वतंत्र समर जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसमें मंगल पांडे ने, जिसमें मेरठ के क्रांतिकारियों ने देश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की जिस लौ को आगे बढ़ाया था, चोरी चोरा की घटना उसकी अगली कड़ी थी। और चोरी चोरा की घटना के बाद काकोरी ट्रेन एक्शन उसी कड़ी को एक नई मजबूती देते हुए ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को भारत के अंदर हिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और इसलिए क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय इन सभी क्रांतिकारियों को बड़ी यातनाएं दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ले जाया गया, वहां उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकउल्लाह खां को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, करमसा, गोंडा, फैजाबाद उन्हें फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नहीं पड़े थे और अंतिम दम तक लड़ते हुए उन्होंने शहादत प्राप्त की थी कि अगर हमने अपनी आजादी को सुरक्षित रखने, वह इसी प्रकार की यातना लेकर के वह गलतियां हम सबको और आने वाली पीढ़ी को इन्हीं यातनाओं का शिकार बनाती है। और भाइयों बहनों, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, हम सबका दायित्व बनता है 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर हो या उसके उपरांत तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए घटनाएं जो देश के स्वाधीनता आंदोलन में अमित अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में जिनको लिखा जाता है, जिनके प्रति सम्मान का भाव प्रत्येक भारतीय रखता है, ये घटनाएं हम सबको इस बात का एहसास कराती हैं कि वास्तव में हर जाति और इस देश के हर समुदाय ने देश के स्वाधीनता के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बढ़ चढ़ करके भाग लेने का मतलब जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, जब भारत अपने दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर के उभरता है। और ये ताकत आजादी के अमृत महोत्सव राष्ट्र धर्म के साथ जुड़ करके हम सब भारत की स्वाधीनता को छूने बनाए रखने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर भारतीय अगर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर दे, अपने अपने फील्ड में किसी को अतिरिक्त कार्य किए जाने की आवश्यकता नहीं।
जिसका जो दायित्व है वो अपने दायित्व का निर्वहन प्रारंभ कर दे, तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में, महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं क्रांतिकारी और शहीद परिवारों से जुड़े हुए जितने भी सदस्यगण आए हैं उन सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से यहाँ पर सम्मान करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उन सभी क्रांतिकारी परिवार, उन क्रांतिकारियों के प्रति, भारत माता के उन सभी अमर शहीदों के प्रति कोट सा नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ हरेक स्तर पर हरेक संगठन और संस्थाएं संपन्न करेंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजन के प्रति आप सबने जो प्रतिबद्धता दिखाई है इसके लिए आप सबको भी मैं अमृत महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राज्यपाल महोदय से कि अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें, अभिसिंचित करें, अनुग्रहित करें। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, कानून एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विधायिका, ये मेरे लिए एक यादगार मेरे जीवन का एक प्रसंग बना रहेगा, क्योंकि हम जब छोटे थे तब पाठ्यक्रम में ये सब पढ़ते थे, काकोरी ट्रेन घटना, चौरी चौरा की घटना, लेकिन कभी ऐसे स्थान जो पवित्र स्थान था, ऐतिहासिक घटनाएं वहां हुई थी और देश की आजादी के लिए छोटे छोटे हमारे युवकों ने 20 साल 25 साल जिसकी उम्र रहती थी, ऐसे कई वीरों ने अपनी शहीदी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं ऐसे स्थान पर। आज जब मैं आई हूँ तो मैं गर्व का अनुभव कर रही हूँ। शहीदों के जो परिवार हैं वो परिवारों का भी आज सम्मान किया गया है, और कारगिल की जो घटना हुई इसमें भी उत्तर प्रदेश के जो हमारे सेना वीर जवान थी, फांसी के फंदे पर जब हमारे युवा क्रांतिकारी चढ़ जाते थे, फिर भी माता की आंख में से कभी आंसू नहीं आए और ये कहते रहे कि मुझे आज गर्व है कि देश की आजादी के लिए मेरा बेटा आज फांसी पर चढ़ता है। वैसी स्थिति वीर भगत सिंह की थी मित्रों, जब वीर भगत सिंह ने भी फांसी के फंदे पर तय किया गया कि उसे फांसी मिलने वाली है, तब कई पत्रकार बंधु उसको मिलने के लिए गई थी माँ को, और माँ को पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, आपके बेटे को आज फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे हैं। तब माँ ने कहा था कि मुझे गर्व है कि देश की आजादी के लिए मेरा बेटा आज फना हो रहा है। देशभक्ति का एकदम उदाहरण उसके सामने था, लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे दुख भी है। तो पत्रकारों ने पूछा कि माता जी दूसरा क्या है, क्या दुख है आपको, तो उसने गर्व से कहा था कि दुख ये बात का है, यदि मेरा और बेटा होता तो मैं आज भारत माता के चरणों में आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर देती है।